प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले हमने 10 वीडियो पढ़ लिए हैं, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से संबंधित बहुत सारे प्रश्न है, वो हर एक भर्ती परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो प्रतियोगी परीक्षा के लिए 1857 की क्रांति जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो इसमें से हम आज लगभग 35 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और वो मुख्य प्रश्न होंगे। इनमें से यानी 35 प्रश्नों के साथ साथ हम उन प्रश्नों को डिटेल्स में जानेंगे और उनकी व्याख्या भी जानेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि यह वीडियो आपके लिए आपकी सफलता को निखारने में बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगा। तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा और अपनी परीक्षा की तैयारी को भी जानिएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। और ये वीडियो आप जैसे मान लो बहुत सारी तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उनमें से जैसे बीएसटीसी की तैयारी करने वाले पीटीटी है, वन रक्षक है, वीडियो है यानी लैब असिस्टेंट है, राजस्थान पुलिस है, सेकंड ग्रेड टीचर है, व्याख्याता है, रीट है, आरएस है, कॉलेज प्रोफेसर है, यानी हर तरह की जो राजस्थान में निकली हुई जितनी भी भर्तियां हैं उनकी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो आप इसे अवश्य ही देखें और देख करके अपनी तैयारी को देखते रहें। और आगे मैं आपको नंबर बता दूंगा जिसमें आप ये भी बता सकते हैं, यानी ऐड भी हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज का ये यानी 11वां वीडियो। इससे पहले के 10 वीडियो देखने के लिए आपको लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न कैसे कैसे हैं। सबसे पहले देखिए 1857 की क्रांति से संबंधित कि 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण क्या था। इनमें से प्रमुख कारण बताना है। पहला है सैनिकों के प्रति दुर्व्यवहार, दूसरा है अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना और सैनिक तैयार करना, उच्च पदों पर अंग्रेजों की नियुक्ति करना, मेरठ में विद्रोही सैनिकों का नसीराबाद आगमन। इनमें से कौन सा कारण है जो तात्कालिक कारण रहा 1857 क्रांति का, नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने की बात कारण पूछ रहा है। तो इसका अर्थ है कि ये दूसरा कारण है, अजमेर स्थित जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसको नसीराबाद भेज दिया गया और वहां पर सैनिक तैयारियां करवाई गई। इस कारण से इन सैनिकों में भी विद्रोह भड़क गया और वहां पर विद्रोह हो गया। दूसरा प्रश्न है आपके, राजपूताना में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। राजस्थान में सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 की जो क्रांति थी वो कहाँ भड़की थी। ऑप्शन है आपके अजमेर, एरिनपुरा, आउवा और नसीराबाद। ये आउवा है, आउवा कहाँ भड़की थी तो उसके बारे में आपको बताना है। और सबसे पहले भड़की थी आपके नसीराबाद में, 4 नंबर ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि नीमच छावनी में 1857 की क्रांति भड़कने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी थी। कौन सा बहादुर सैनिक था जिसने भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की यानी शपथ को उन्होंने चुनौती दी थी। उत्तर है इसमें से मंगल पांडे, मेहराब खान, मोहम्मद अली बेग, रहमत अली। इनमें से कौन था जिसने ये कहा किया था, और वो था आपके मोहम्मद अली बेग। कौन था? मोहम्मद अली बेग। ये नीमच छावनी की बात है। 1857 की क्रांति में राजपूताना की किस रियासत के शासक की स्थिति अपने दुर्ग में बंदी के समान हो गई थी। 1857 की क्रांति थी और अपने राजस्थान के कौन सी रियासत थी जिसमें उस राजा को अपने ही दुर्ग में बंद होकर के रहना पड़ा। ऑप्शन है आपके कोटा, जोधपुर, अलवर, धौलपुर। इनमें से कौन सा था जिसमें उनको इस प्रकार यानी बंदी बनकर के रहना पड़ा, और वो थे कोटा। कहाँ के थे? कोटा के। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही है। आपके लिए जो नंबर है यानी जहां पर आप कंपटीशन ग्रुप के लिए ऐड हो सकते हैं वो है 9610208295। इन पर आप ऐड हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके 5वां कि आउवा के युद्ध में जोधपुर के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई। जोधपुर का कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था जिसकी हत्या है आउवा के युद्ध में हुई थी। ऑप्शन है आपके पैट्रिक लॉरेंस, मेजर बर्टन,
मॉक मेसन और कैप्टन सोवर्स। कैप्टन सोवर्स इनमें से कौन था जिसकी हत्या कर दी गई? और वो था मॉक मेसन। कौन था? मॉक मेसन, जो आउवा के युद्ध में मारा गया था। 3 नंबर, 1857 की क्रांति में मेवाड़ महाराणा की विप्लव के प्रति क्या नीति रही? 1857 की क्रांति, मेवाड़ के महाराणा थे, उनकी इस क्रांति के प्रति क्या नीति रही थी, क्या उनकी सोच थी? क्रांतिकारियों के सहयोग की, क्रांति के प्रति उपेक्षा की, अंग्रेजों के प्रति सहयोग की, और स्वयं विप्लव में भाग लेने की, उनमें से कौन सी सोच थी? और वह थी उनका अंग्रेजों के प्रति सहयोग करने की। उन्होंने तो अंग्रेजों को संरक्षण भी दिया था। 1857 की क्रांति का पूरा वीडियो आप यदि देखना चाहते हैं कि संपूर्ण वीडियो है, तो वो आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से भी आप देख सकते हैं, पूरा कंप्लीट उसमें जानकारी दी गई है। नसीराबाद छावनी के विप्लवकारी सैनिक छावनी में विद्रोह के पश्चात कहाँ गए? नसीराबाद छावनी के जो विप्लवकारी थे और सैनिक छावनी में जब विद्रोह हो गया था, तो उसके पश्चात यानी वहां विद्रोह करके वो कहाँ गए थे? अजमेर, आउवा, एरिनपुरा, दिल्ली, इनमें से वो कहाँ गए थे? और वो गए थे दिल्ली। यानी नसीराबाद छावनी से उन्होंने कहाँ कूच किया था? दिल्ली कूच किया था। 4 नंबर ऑप्शन सही है। 1857 के विप्लव में यानी 1857 की क्रांति में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह क्रांतिकारी सैनिकों को कहाँ ले गए थे? 1857 के विप्लव, आउवा के जो ठाकुर कुशाल सिंह थे, वो क्रांतिकारी सैनिकों को कहाँ ले गए थे? एरिनपुरा, जोधपुर, आउवा, नसीराबाद, इनमें से कौन सी जगह ले गए थे? और वो ले गए थे आउवा, आउवा जोधपुर, यानी 3 नंबर। 9 नंबर है, नीमच छावनी में विद्रोह होने के बाद वहां उपस्थित ब्रिटिश अधिकारी और परिवारजन भागकर कहां गए? नीमच छावनी में जब विद्रोह हो गया था, तो वहां अंग्रेज अधिकारी थे, वो अंग्रेज अधिकारी और वो उनके परिवार कहां गए थे? अपनी जान बचाने के लिए कहां भाग गए थे? अजमेर, माउंट आबू, जोधपुर और मेवाड़, इनमें से कहां भाग गए थे? और वो भाग गए थे मेवाड़, जहां पर महाराणा स्वरूप सिंह ने उनको संरक्षण दिया था। आपके लिए जो नंबर है वो है 9610208295। चैनल अच्छा लगता है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके कि तांत्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की? तांत्या टोपे ने 1857 में कौन से नगर पर सफलता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी, या अधिकार करने में सफलता प्राप्त हुई? जोधपुर में, झालावाड़, डूंगरपुर, दौसा, इनमें से कौन सा स्थान था? और वो था आपके झालावाड़। कौन सा था? झालावाड़, जिसमें 2 नंबर उत्तर सही है। 1857 के विद्रोही नेता तांत्या टोपे दूसरी बार राजस्थान में किस क्षेत्र में आए थे? यानी पहली बार आए थे, उसके बाद 1857 में और दूसरी बार आए थे, वो फिर वो कहाँ आए थे? सबसे पहले कहाँ आए थे? जोधपुर में, झालावाड़ में, बांसवाड़ा में, जयपुर में, इनमें से कहाँ आए थे? और वो आए थे आपके बांसवाड़ा में। कहाँ आए थे दूसरी बार? बांसवाड़ा में। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही है। तांत्या टोपे को किस व्यक्ति ने विश्वासघात कर अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया? तांत्या टोपे जब अपने राजस्थान में आए थे, दूसरी बार आए थे, तो उस समय किसी एक व्यक्ति ने विश्वासघात करके उसे अंग्रेजों से पकड़वा दिया था। उनका नाम क्या है? कुशाल सिंह, कोठारिया के ठाकुर जोत सिंह, नरवर के जागीरदार मान सिंह, सलूम्बर के रावत केसरी सिंह, कौन थे? और वो थे आपके नरवर के जागीरदार मान सिंह। कौन थे? नरवर के जागीरदार मान सिंह ने उसे विश्वासघात करके अंग्रेजों को बता दिया और उसे पकड़ लिया गया। कोटा में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? 1857 की क्रांति में कोटा से कौन थे? जयदयाल और मेहराब खान, रावत बाग सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह, अनार सिंह, उनमें से जयदयाल और मेहराब खान थे ये कोटा से। कोटा से कौन थे? जयदयाल और मेहराब खान थे। नीमच छावनी में विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी पहुंचे? दिल्ली जा रहे थे, नीमच छावनी से दिल्ली जा रहे थे, तो फिर वो दिल्ली जाते समय और किस छावनी, कौन सी छावनी में पहुंचे? निम्बाहेड़ा, कोटा, देवली और नसीराबाद। तो वो कहाँ पहुंचे थे? वो पहुंचे थे देवली। कहाँ पहुंचे थे? देवली। आप अपने जीके को साथ साथ देखते रहिए कि आप भी देखते रहिए आपका ऑप्शन सही होता है कि नहीं होता है। 14वां प्रश्न है इसमें कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में निम्न में से कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी? 1857 की क्रांति थी, उस समय राजस्थान में जो सैनिक छावनियां थी उनका नाम बताना है। कौन सी थी? नसीराबाद, एरिनपुरा, नीमच, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा, उपर्युक्त सभी, ये सारी यानी राजस्थान में ही थी। कौन
कौन सी थी? उपयुक्त सभी थी, इसमें ये उपयुक्त सभी चारों ही राजस्थान में ही थी। देश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ और कब हुआ? देश में, अपने देश में 1857 की क्रांति कब और कहाँ हुई? 10 मई 1857 को दिल्ली में, 10 मई 1857 को मेरठ में, 21 मई 1857 को नीमच में, 10 मई 1857 को नसीराबाद में। कहाँ हुई थी? और वो हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ में, मंगल पांडे के द्वारा। यानी मंगल पांडे ने जब वहां कारतूस, जो चर्बी लगे कारतूसों को यानी मुंह से काटने से मना कर दिया, और वहां जो उपस्थित अधिकारी था उसे गोली मार करके उसकी हत्या कर दी थी, उस समय ही ये फूट पड़ा था। 1857 में क्रांति के समय राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल पद पर कार्यरत कौन थे? 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? कैप्टन सॉवर्स, कैप्टन मैकमोशन और कैप्टन मेजर बर्टन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, इनमें से कौन था? इसमें था आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। 17वां प्रश्न है, मेजर बर्टन 1857 ईस्वी में किस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था? मेजर बर्टन जो था 1857 ईस्वी में कौन सी रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था? जोधपुर का, मेवाड़ का, धौलपुर का और कोटा का। मेजर बर्टन कहाँ का था? मेजर बर्टन जो था कोटा का था। कहाँ का था? कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। जोधपुर लीजन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया था? जोधपुर लीजन के जो सैनिक थे किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया था? नीमच में, जोधपुर में, एरिनपुरा में, ब्यावर में। कहां पे किया था? और वो किया था एरिनपुरा छावनी। कहां किया था? एरिनपुरा छावनी में। अगला प्रश्न बनता है कि भीथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया था? भीथोड़ा का युद्ध हुआ था, भीथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह नेतृत्व कर रहे थे, तो उस समय क्रांतिकारियों ने जो सेना थी उसने किस अंग्रेज अफसर को हराया था? जैसे ऑप्शन है आपके कैप्टन सॉवर्स, ब्रिगेडियर जॉर्ज लॉरेंस, कैप्टन मैकमोशन और कैप्टन हीथकोट। और वो कैप्टन हीथकोट थे, भीथोड़ा के युद्ध में कैप्टन हीथकोट की सेना को हराया था। नीमच से जान बचाकर भागे अंग्रेज अधिकारियों और उनके परिवारजनों को किस महाराजा ने अपने यहाँ शरण दी थी? अभी अपने वो आता कि किस रियासत के सैनिकों ने दिया था, तो किस रियासत के राजा ने दिया था, तो मेवाड़ के थे। और मेवाड़ में कौन थे? मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह, कोटा के शासक महाराज राम सिंह, जयपुर नरेश सवाई मान सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से किसने शरण दी थी? और वो शरण दी थी आपके मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह, जो मैंने उस समय भी बताया था। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने नीमच से भागकर आए हुए अंग्रेज अधिकारियों को अपने यहाँ शरण दी थी। कुवाड़ा, कुवाड़ा जो कहाँ है? भीलवाड़ा में है। देखिए यहाँ पर प्रश्न और भी हो रहा है, कुवाड़ा कहाँ है? भीलवाड़ा में। कुवाड़ा स्थान पर तांत्या टोपे की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज अफसर की सेना से हुआ था? कुवाड़ा में जो युद्ध हुआ था भीलवाड़ा में, वहां तांत्या टोपे की सेना थी, एक तरफ जो है वो अंग्रेजों की सेना थी, तो उसमें कौन सा अफसर था जिसकी सेना थी? कैप्टन सॉवर्स, कैप्टन हीथकोट, जॉर्ज ब्रिगेडियर जॉर्ज लॉरेंस और जनरल रॉबर्ट्स, इनमें से कौन था? और इसमें था आपके जनरल रॉबर्ट्स। कौन था? जनरल रॉबर्ट्स की सेना थी। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड हेस्टिंग, इनमें से कौन था? और वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1854 से ही लॉर्ड कैनिंग ही था, तो 1857 में लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस राजा ने अपनी सेना सहित स्वयं जाकर अंग्रेजों की सहायता की? यानी ऐसा कौन सा राजस्थान का राजा था जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता की थी अपनी सेना ले जाकर के? बीकानेर के सरदार सिंह, करौली महारावल मदन पाल, जयपुर के महाराजा राम सिंह, धौलपुर के राजा बन्ने सिंह, इनमें से कौन थे? और इनमें से थे बीकानेर के सरदार सिंह। कौन थे? बीकानेर के सरदार सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। अगला प्रश्न है आपके कि एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आउवा के निकट किस स्थान पर 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों की सेना ने हरा दिया था? यानी एजीजी पैट्रिक लॉरेंस की सेना थी एक तरफ तो, और वहां आउवा के पास में एक ऐसा स्थान है जहां पर 18 सितंबर 1857 को युद्ध हुआ था, तो वो स्थान कौन सा है? विथोड़ा, डुंगला, चेलावास, कुवाड़ा, और वो कौन सा स्थान है?
वो स्थान है आपके चेलावास। कौन सा स्थान है? चेलावास है। चेलावास का युद्ध है वो आप जानते हैं, अब जान जाएंगे कि चेलावास का युद्ध कब हुआ था। 18 सितंबर 1857 ईस्वी को उनका युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष कब समर्पण किया? आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह जो थे उन्होंने अंग्रेजों के समक्ष कहाँ समर्पण किया था, कहाँ जाकर के समर्पण किया? आउवा में, नीमच में, कोठारिया में, जोधपुर में, वहां कहाँ किया था? और उन्होंने नीमच में जाकर के किया था जो एमपी में पड़ता है। 2 नंबर, 1857 की क्रांति में सर्वाधिक भीषण विप्लव किस रियासत में हुआ? किस रियासत में हुआ था? कौन सी रियासत थी जिसमें सबसे भयंकर युद्ध हुआ था? जोधपुर में, धौलपुर में, अलवर में, कोटा में। कहां पे हुआ था? कोटा में हुआ था। 4 नंबर इसका उत्तर सही है। कोटा को अंग्रेजी सेना ने क्रांतिकारियों से कब मुक्त करवाया? कोटा को अंग्रेजी सेना ने क्रांतिकारियों से मुक्त कब करवाया? दिसंबर 1857 में, फरवरी 1858 में, मार्च 1858 में, मई 1858 में। कब मुक्त करवाया था? और वो करवाया था मार्च 1858 में। कब करवाया था? मार्च 1858 में। कोटा को अंग्रेजी सेना ने, अंग्रेजी से कोटा पर अधिकार कर लिया था क्रांतिकारियों ने, और क्रांतिकारियों से अंग्रेजों ने फिर कोटा को मुक्त करवाया था मार्च 1858 में। तात्या टोपे कहाँ का क्रांतिकारी नेता था? ग्वालियर का, ईडर का, अवध का, लखनऊ का, और वो था ग्वालियर का। 1 नंबर उत्तर सही है। अगला प्रश्न है आपके, 1857 की क्रांति का क्या परिणाम था? 1857 की क्रांति का परिणाम क्या था? भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया, जनमानस में स्वतंत्रता की भावना का बीजारोपण हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ। उपर्युक्त सभी, इनमें से कौन सा था? तो ये सारे के सारे काम हो गए थे। सीधा शासन 1858 से ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया था, यानी भारत में स्वतंत्रता का बीजारोपण भी हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत भी हो गया था। तो ये 1857, यानी सारे सारे सही है। निम्बा हेड़ा के किस व्यक्ति ने स्वयं को सम्राट घोषित कर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाया? निम्बा हेड़ा में कौन सा व्यक्ति था जिसने वहां का अपने आप को सम्राट घोषित किया और फिर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया? फिरोज शाह, महमूद शाह, अर्जुन सिंह साहिवाल, रावत केसरी सिंह, कौन थे? उनमें थे वो फिरोज शाह। कौन थे? फिरोज शाह। 1 नंबर उत्तर सही है। किस राजा ने, अगर मान लो किसी प्रश्न में आपको डाउट लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर डाउटफुल है, तो आप अपनी ऑथेंटिक बुक से मिलान करें और मुझे भी बताएं कि इस प्रश्न का उत्तर ये होना चाहिए, ताकि उसमें सुधार किया जा सके। किस राजा ने नीमच के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ ठहरा कर उनकी सहायता की? कौन सा राजा था जिसने नीमच के सैनिकों को, नीमच के विद्रोही सैनिकों को ठहराया था, मतलब नीमच के जो क्रांतिकारी सैनिक थे उनको यहाँ ठहराया था? कौन से राजा ने? शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह, जयपुर के राजा राम सिंह, सलमपुर के रावत केसरी सिंह, कोठारिया के रावत जोध सिंह, इनमें से कौन था? और वो थे शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह। कौन थे? शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह जो थे उन्होंने नीमच के विद्रोही सैनिकों को अपना यहाँ ठहरा करके उनकी सहायता की थी। निम्बा हेड़ा पर, 32वां प्रश्न है, निम्बा हेड़ा पर अधिकार करने में अंग्रेजों की मदद राज्य की किस सेना ने की, यानी कहाँ की? निम्बा हेड़ा पर अधिकार करने में अंग्रेजों की मदद किस राज्य की सेना ने की थी? कौन से, किस राज्य की सेना थी जिसने निम्बा हेड़ा पर अधिकार करने में अंग्रेजों की मदद की? बांसवाड़ा, मेवाड़, कोटा और बूंदी, इनमें से था आपके, यानी मेवाड़। कौन सा था? मेवाड़। 2 नंबर उत्तर सही है। 33वां प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में राजपूताना में अंग्रेजों के विरोध का प्रमुख केंद्र कौन सा था? 1857 क्रांति राजपूताना में अंग्रेजों के विरोध का प्रमुख केंद्र, नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, आउवा, इनमें से कौन सा था? इनमें से था आपके, यानी आउवा। कौन सा था? आउवा, जिसमें 4 नंबर उत्तर सही है। डूंगरपुर रियासत का वह शासक जिसे अंग्रेज हुकूमत बर्खास्त कर वृंदावन भेज दिया गया, डूंगर रियासत का वो शासक कौन था डूंगरपुर का, जिसे अंग्रेजों ने उसे बर्खास्त करके और वृंदावन भेज दिया था? जसवंत सिंह द्वितीय, और सामंत सिंह, डूंगर सिंह, लक्ष्मण सिंह। कौन सा था? जिस वो था जसवंत सिंह द्वितीय, यानी डूंगरपुर रियासत के जो जसवंत सिंह द्वितीय थे, उन्होंने उन्हें अंग्रेज हुकूमत से
अंग्रेज हुकूमत से बर्खास्त कर दिया, और बर्खास्त करके वहां से उसे कहाँ भेज दिया गया, वृंदावन भेज दिया गया। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगे तो बताना ताकि ऐसे ही वीडियो आपको और बताए जाएं। और एक बात और बताना कि आप यदि डिटेल्स में चाहते हैं कि वीडियो है वो पूरा डिटेल, जैसे 1857 की क्रांति है तो पूरी कंप्लीट बताई जाए, तो वैसे भी आपको बताया जा सकता है यानी इसी बोर्ड पे, ताकि आप उसे अच्छी तरह से पढ़ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर पसंद आया है तो। 9610208295 आपके लिए नंबर है जहां पे आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।